Hamza Abdul Rauf, and I've graduated with a degree in BBA, Business Administration from IBA, and I'm currently pursuing my master's from IBA as well. And my professional background, मैंने से टेलीमार्ट से पहले कोई जॉब नहीं की है, कहीं इंटर्नशिप नहीं की है, तो मैंने स्टार्ट से ही फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ माई डिग्री इन BBA, I've been associated with टेलीमार्ट. टेलीमार्ट जो है वो हमने मई 2014 में इस्टेब्लिश किया, और टेलीमार्ट जो है इट्स नॉट जस्ट अनदर ऑनलाइन स्टोर. हमारा ऑनलाइन जो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है, इट्स अ पार्ट ऑफ आर बिजनेस मॉडल, इट्स वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ आर बिजनेस मॉडल. इसमें हमारे पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है फुल एस्टैब्लिश्ड, उसके साथ हमारी एप्स हैं मोबाइल की, उसके साथ साथ हमारा दूसरा बिजनेस मॉडल है रिटेल साइट, जो मैंने आपको बताया कि उसमें हमारे पास हमारी फ्रेंचाइजेज हैं, कंपनी ओन स्टोर्स हैं, जहाँ पे हम ब्रिक एंड मोर्टार के कस्टमर्स को जो है वो सर्व कर रहे होते हैं. तीसरा हमारा एक होलसेल बिजनेस मॉडल है, जहाँ पे टेलीमार्ट डिफरेंट रिटेलर्स को, डिफरेंट होलसेलर्स को अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो दे रहा होता है. और चौथा हमारा टेलीमार्ट का एक कॉर्पोरेट आर्म भी है, जो कॉर्पोरेट सेल्स को देख रहा होता है अक्रॉस पाकिस्तान, जहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान की ऑल द लीडिंग फर्म्स एंड कॉर्पोरेशंस आर एंगेज्ड विद टेलीमार्ट इन दैट रिगार्ड. तो ये हमारा एसेंशियली एक बिजनेस मॉडल है, जहाँ पे टेलीमार्ट अक्रॉस पाकिस्तान ऑपरेट करता है. कॉमर्स लैंडस्केप की बात करें, पाकिस्तान में ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करें, तो ग्रोथ का पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि आज भी पाकिस्तान में ई कॉमर्स इज लेस देन 1% ऑफ द टोटल रिटेल इकॉनमी. तो अगर पाकिस्तान में लास्ट ईयर 250 बिलियन डॉलर की रिटेल इकॉनमी जो थी, उसकी इतनी की ट्रेड हुई है, तो ई कॉमर्स अभी तक 1 बिलियन डॉलर के जो है वो मार्क पर भी नहीं पहुंचा. द पोटेंशियल इज मैसिव, द पोटेंशियल इज ह्यूज, स्पेशली आफ्टर द पेनिट्रेशन ऑफ 3G एंड 4G इंटरनेट, और 5G भी आने वाला है. ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात यह है कि वी हैव टू रिलाई ऑन लॉट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स टू शेप अप द फाइनल कंज्यूमर एक्सपीरियंस. एक हमारा बड़ा स्ट्रिक्ट फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया है कि हम किसी भी ऐरे गैरे वेंडर को जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर नहीं करते, ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट पर इनटेक हो. डिमांड इज ऑन द क्वालिटी साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, कि हमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अपने एसकीयूज की नहीं बनानी है, लेकिन हम जो प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे वो पहले से गारंटी करें कि वो जेन्युइन प्रोडक्ट होगी, क्वालिटी प्रोडक्ट होगी, और वो वेंडर जो है वो सर्टिफाइड वेंडर्स होंगे, ताकि कस्टमर एंड पे कम से कम ऐसी कंप्लेंट्स आए प्रोडक्ट रिलेटेड. तो वो एक एंड है. दूसरा टेक्नोलॉजी का एंड है, जिस पर हमें डिपेंड करना पड़ता है. तो उसके लिए ऐसी बात है, टेलीमार्ट की इन हाउस टीम है जो हमारे टेक्नोलॉजिकल फ्रंट को, हमारा जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टेक आफ्टर करती, इसको लुक आफ्टर करती है. एक तो वही कि डिजिटल पेमेंट्स के ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा सुकून की बात है अगर हमारे जो मेजोरिटी ऑर्डर्स हैं वो डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू हो रहे हो या प्री पेमेंट के थ्रू हो रहे हो, क्योंकि उससे जो रिटर्न के रेशो है दैट कम्स डाउन सिग्निफिकेंटली. जो कैश ऑन डिलीवरी में बहुत बड़ा इशू है कि जितने ज़्यादा कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर्स कोई ऑनलाइन स्टोर प्रोसेस कर रहा होता है, उतने ज़्यादा चांसेस ऑफ रिटर्न होते हैं, क्योंकि कस्टमर्स फेक ऑर्डर भी प्लेस करते हैं, कस्टमर जो है वो डबल ऑर्डर भी प्लेस कर रहे होते हैं. तो एक बड़े लेवल पर जब आप ऑपरेट करते हैं और आपके पार्सल्स के जो वॉल्यूम है वो बहुत अच्छा खासा है, तो आप हर कस्टमर को जो है वो पिन पॉइंट करके उससे कन्फर्मेशन कॉल और बाकी चीज़ें नहीं कर सकते हैं. तो डिजिटल पेमेंट्स का जो एरिया है वो एक हमारे लिए चैलेंज है कि अगर वो चीज़ स्मूथली एग्जीक्यूट होती है और ये डिजिटल जितने पेमेंट ऑप्शंस हैं वो अच्छे तरीके से अपने सॉल्यूशंस को लेकर आते हैं, दे मेक इट लुक्रेटिव इनफ फॉर द कस्टमर्स टू पे थ्रू दैट मीडियम, तो फिर हमारे लिए बड़ी अच्छी एक जो है खुशाइंद बात है ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए. दूसरा एक और चैलेंज जो हमारे लिए है वो लॉजिस्टिक साइड के ऊपर भी है, कि हम चाहते हैं कि इसके अंदर भी मजीद इंप्रूवमेंट्स लाई जाएँ, जिस तरह ग्लोबली होता है कि रियल टाइम ट्रैकिंग होती है पार्सल्स की, RFID टैग्स होते हैं, कस्टमर के साथ जो कम्युनिकेशन कोरियर कंपनी की है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सेप्शनल होनी चाहिए है, जो फर्स्ट अटैम्प्ट डिलीवरीज का रेशो है वो ज़्यादा होना चाहिए. कि आज पाकिस्तान में पहले अटैम्प्ट में बहुत कम डिलीवरीज हैं जो फुलफ़िल होती हैं, तो सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फिर जो मैपिंग के जो कॉन्सेप्ट है कोरियर के अंदर, कस्टमर्स ने जब एक बार अपने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स डिफाइन कर दिए, तो राइडर हर बार कॉल करके कस्टमर से एड्रेस ना समझो, क्योंकि सारी चीज़ें माइनर ग्लिचेस हैं, लेकिन ये कस्टमर एक्सपीरियंस को हार्म करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. तो वो जो लॉजिस्टिक्स का पूरा एक साइड, उसमें ऑटोमेशन की, उसमें टेक्नोलॉजी की हद से ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो एलिमेंट भी जो ई कॉमर्स का है वो बड़ा स्मूथली और कस्टमर के लिए सीमलेसली एग्जीक्यूट हो रहा हो. तो ये दो चैलेंजेस मेजर हैं, डिजिटल पेमेंट्स का, दूसरा लॉजिस्टिक्स का, और तीसरा ये कि ये भी है कि गवर्नमेंट की तरफ से हम जो सपोर्ट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी हमें फैसिलिटेट करे इस तरह के इनिशिएटिव्स में, और उनकी भी कुछ ऐसी पॉलिसीज आएँ जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ जो है वो उनको हेल्प करें और उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से कस्टमर्स को सर्व करने के लिए और ग्रो करने के लिए हेल्प करें. देखिए,
ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एक चीज तो गिवन है कि कस्टमर जो ई कॉमर्स पे आता है वो बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होता है। प्राइस ऐसी बात है, एज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या एज एन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हमें हर वक्त इंश्योर करना होता है कि हमारी प्राइसेस जो है वो बहुत कंपेटिटिव हो या फिर लोवेस्ट इन पाकिस्तान भी हो। हैव प्राइस बीटिंग पॉलिसी ऑन आवर वेबसाइट, जिसका मकसद ये है कि अगर आपको आज कोई भी प्रोडक्ट ऐसी है जो मेरी वेबसाइट से ज्यादा सस्ती प्राइस पे किसी और क्रेडिबल ऑनलाइन स्टोर पर पाकिस्तान के मौजूद है, तो हमारा जो कस्टमर है वो हमारे हर प्रोडक्ट पेज पे एक प्राइस बीटिंग का बटन है जिसको वो प्रेस करता है, वो फॉर्म फिल करता है और हम उसको 24 आवर्स के अंदर वी बीट दैट प्राइस। तो प्राइस एंड पे हमारी ये वर्किंग है। दूसरा एक और चीज़ ये है, हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो नहीं कर सकते, हमने सर्विस बेस्ड डिफरेंशिएशन करनी है अपने आप को अपने कॉम्पिटिशन से या मार्केट में अगर मुख्तलिफ करना है बाकी प्लेयर्स से, डिफरेंशिएट करना है तो वो अपनी सर्विसेज की बेसिस के ऊपर करना है। तो सर्विसेज के ऊपर हमारा डे वन से फोकस था कि कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मिले। There is no such thing as an expensive product. तो कस्टमर को अगर उस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में भी वैल्यू मिलता है तो वो चीज़ खरीदेगा। तो यू जस्ट हैव टू फाइंड द राइट कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट। और उसके लिए हमने सर्विस के लिए जो है हमारा डिस्काउंट कार्ड है जिसको हमने रिसेंटली भी ऐप पे कन्वर्ट किया है कि कस्टमर जो भी कस्टमर अक्रॉस पाकिस्तान टेलीमार्ट से कुछ भी बाय करता है, चाहे हमारी रिटेल आउटलेट से बाय करे या टेलीमार्ट के ऑनलाइन स्टोर से बाय करता है, उसको एक कॉम्प्लीमेंट्री डिस्काउंट कार्ड टेलीमार्ट डिस्पैच करता है जिसके ऊपर 200+ ब्रांड्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान में। We are constantly on the lookout for tech resources क्योंकि एक e-commerce website essentially हम एक service platform है, हम एक service, हम खुद कोई product नहीं बेच रहे, तो हम एक service platform के लिए technology बहुत ज़्यादा important है और core होती है technology। तो we are constantly on the lookout for resources जो इस field के अंदर technology के अंदर काफ़ी जो है वो काम अच्छा कर रही हैं। तो उसके लिए हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू डिफरेंट ऐसे इदारों में जहाँ पर इस तरह के कोर्सेज़ हैं जहाँ के ग्रेजुएट्स को वैल्यू किया जाता है उनके साथ हमारी इंगेजमेंट्स चलती हैं और हम फिर वहाँ से रिसोर्सेज को जो है ऑन बोर्ड कर रहे होते हैं। लेकिन नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमारा जो स्टार्ट से एक एम है ना वो बड़ा सिंपल है कि हमें रिटेलिंग का जो लैंडस्केप है उसको रेवोल्यूशनाइज करना है पाकिस्तान में। तो जो स्टार्ट से एक साइकी रही है कि कस्टमर loses and the brand wins, तो हमें वो चीज़ चेंज करनी है कि विन विन सिचुएशन क्रिएट करना है रिटेलिंग के अंदर, कि हमारा एक ऐसा बिजनेस मॉडल हो चाहे वो ई कॉमर्स हो या चाहे हमारे रिटेल साइड हो, हमें कस्टमर और ब्रांड दोनों को जितवाना है और हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस कस्टमर को देना है जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, कि कस्टमर प्रोटेक्टेड फील करे, कस्टमर सिक्योर्ड फील करे। और टेलीमार्ट का जो मेन एम है वो ये है टू बिकम द मोस्ट लव्ड ब्रांड ऑफ पाकिस्तान। हमें बिगेस्ट ब्रांड, लार्जेस्ट ब्रांड ऐसा कुछ नहीं बनना।